नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र तोमर स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट विद सत्येंद्र में। और चलिए, बहुत से स्टूडेंट्स की समस्या थी कि सर हम अपना सेटिंग अरेंजमेंट कैसे बढ़ाएं, या फिर हम ये कहें कि पढ़ने की क्षमता जो है उसको कैसे बढ़ाया जाए। तो आज मैं उसी पर चर्चा करने वाला हूँ, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स की ये समस्या है कि वो पढ़ते तो हैं लेकिन उनमें पढ़ने की क्षमता जो है बहुत ही कम है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ निदान बताऊंगा, उन चीज़ों का अगर पालन करेंगे आप तो आप मैं आपको बताऊं कि आप 100% आप अपना दे पाएंगे। तो इसके लिए करना क्या है, तो देखिए इसके लिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ही करनी है। तो पहली चीज़ उसमें यह है कि जब भी आप पढ़ें तो टेबल लैम्प का यूज करें। जब आप टेबल लैम्प का यूज करेंगे तो आपके अंदर जो एकाग्र चित्तता होगी वो बढ़ेगी, और जब एकाग्र चित्तता बढ़ेगी तो क्या होगा, जैसे जब आप टेबल लैम्प का यूज करते हैं तो आपका ध्यान जो है वो एक ही जगह पर रहेगा। ऐसा नहीं है कि रूम में अलग अलग जगह पर आपका ध्यान जा रहा है, पता चल रहा था पढ़ रहे थे, ध्यान जो है भटक गया, दूसरी जगह पे चला गया, तो वो मामला बिगड़ जाता है। फिर आप वहाँ से हट जाते हो तो जो टॉपिक है वो आपका वहीं वहीं छूट जाता है, तो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। जब आप एक ही टॉपिक को लगातार लंबे समय तक पढ़ोगे तो आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, और फिर आपको ये लगेगा कि अच्छा, इस टॉपिक के बारे में और भी जानना चाहिए, और भी जानना चाहिए इस टॉपिक के बारे में, तो इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता जाता है। जैसे ही आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ते समय ये ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए 1 घंटे पढ़ लिया या 1.5 घंटे पढ़ लिए, 2 घंटे पढ़ लीजिए, तो 2 घंटे पढ़ने के बाद फिर क्या करना है, आपको थोड़ा सा बाहर टहल के आना है। टहलने के पश्चात, टहलने के दौरान आप क्या कर सकते हो, तो कॉफ़ी ले सकते हो, चाय ले सकते हो, ऐसी चीज़ें ले सकते हो जिससे एनर्जी मिले, या फ्रूट्स वगैरह भी ले सकते हैं। तो उस समय यानी जैसे ही आप कुछ खाने पीने की चीज़ें लोगे तो उससे एनर्जी जो है वो दोबारा मेंटेन हो जाएगी, और पुनः आप आके कंटिन्यूस कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो उसको। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो जब भी आप किसी भी चीज को पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि जब आप किसी भी चीज को वन लाइनर के रूप में पढ़ते हो तो सीधी सी बात है, आप उसके बारे में 1% जानोगे, 1% जान के, और फिर आप सोच रहे हो कि 1% मुझे पूरा का पूरा याद रह जाए, कैसे रहेगा भाई। सीधी सी बात है कि अगर आप किसी भी चीज के बारे में 80% जान रहे हो तब वो आपके माइंड में 60% टिक पाएगा। तो भाई चीज़ों को क्या करना है, चीज़ों को आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। जब आप चीज़ों को डिटेल में पढ़ोगे तो सीधी सी बात है कि आपको मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो ध्यान रहेंगी, कुछ चीज़ें जो है वो दिमाग से निकल जाएंगी, तो जब आप रिवीजन करोगे तो वो भी सारी की सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने पढ़ने की क्षमता बढ़ा सकते हो। और एक टाइम में कोई भी स्टूडेंट जो है वो एक सब्जेक्ट ना पढ़े, एक टाइम में आप 2 सब्जेक्ट को फॉलो करें। क्यों? क्योंकि एक सब्जेक्ट से जैसे ही मन हटता है तो आप दूसरी सब्जेक्ट में जुट जाएं। ठीक है, जैसे आप 6 घंटे की सिटिंग कर रहे हो, मतलब 6 घंटे रोजाना पढ़ रहे हो, तो 6 घंटे में आपकी 2 सब्जेक्ट मिनिमम होने चाहिए। ठीक है, मिनिमम 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। ये बात कब की हो रही है, ये बात तब की हो रही है जब आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपकी कोचिंग पूरी हो चुकी है। लेकिन जिस समय कोचिंग चल रही है उस समय तो भाई आपको 4 सब्जेक्ट पढ़नी है या 5 सब्जेक्ट पढ़नी है, तो उनके लिए आप जो भी टाइम निर्धारित करते हैं कि 1-1.5 घंटा जो है वो सभी को समान रूप से देना है। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपनी जो पढ़ने की क्षमता है उस पढ़ने की क्षमता में वृद्धि कर सकते हो। और दूसरा, गोल बेटा हमेशा छोटे छोटे बनाएं। क्यों? क्योंकि जब आप बड़ा टारगेट बना लेते हो कि अच्छा एक ही दिन में मैथ खत्म करनी है, तो मामला बिगड़ जाता है। जब आपका गोल अचीव नहीं होता है, यानी जितना आपने गोल बनाया वो गोल आपका अचीव नहीं हुआ, तो फिर होगा क्या, फिर आप डीमोटिवेट हो जाओगे। ऐसा लगता है कि यार पता नहीं मैं कर ही नहीं पाता हूँ। जब आपके अंदर ये वाली भावना आ गई ना कि मैं कर नहीं पाता हूँ, तो फिर आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा। अगर आपने गोल बहुत छोटा बनाया और वो गोल अचीव कर लिया, तो फिर आप दूसरे दिन क्या करोगे कि अच्छा इतना काम तो मैं कर लेता हूँ, आप मोटिवेट हो जाओगे और ये सोचोगे कि चलिए मैं क्या करूँ, कल से थोड़ा सा बड़ा गोल बनाऊँ, और जब कल से थोड़ा सा बड़ा गोल बनाऊंगा तो फिर क्या करेंगे, हम धीमे धीमे गोल को बड़ा करते जाएंगे। और जो स्टूडेंट पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं वो कभी भी पहले दिन ऐसा नहीं है कि 7 घंटे 8 घंटे पढ़े, पढ़ने की शुरुआत हमेशा 2 घंटे 3 घंटे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाइए, 3 घंटे 3 घंटे 15 मिनट, 3.5 घंटे, 4.25 घंटे, 4 घंटे। इस तरीके से जब आप अपने पढ़ने की क्षमता बढ़ाओगे तो वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो एक तरीके से स्थायी होगी, परमानेंट होगी। अगर पता चल रहा है कि आप एकदम से मोटिवेट हो गए, 7-8 घंटे पढ़ लिए, दूसरे दिन पता चला कुछ भी नहीं पढ़े।